हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सेकेंड टॉपिक मोड की। मीन हमने डिस्कस कर लिया था और बिल्कुल मीन की तरह ही मोड भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन क्लास 10th में आपको मोड फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। इसके पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, वॉट इज मोड? भाई ये मोड होता क्या है? तो अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो ऑब्जर्वेशंस आपके मार्क्स हो सकते हैं, शूज साइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो उन ऑब्जर्वेशंस में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, वही मोड है। अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन। ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वही मोड होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, 3, 6, 4, 5, 6, और हमें इसका मोड निकालना है। सिर्फ आपको क्या करना है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वही आपका आंसर है। अगर हम इसे टेबल से शो करें तो x की वैल्यू क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 10, ये वैल्यूज़ हैं। अब कौन कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 और 10 की भी 1 है। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। तो इस क्वेश्चन में मोड हो जाएगा 3, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ये मोड है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, बट क्लास 10th में आपको पढ़ना है ग्रुप डाटा का मोड। चलिए बात करते हैं कि क्या है ग्रुप डाटा का मोड। क्लास 10th में आपको पढ़ना है ग्रुप डाटा का मोड, यानी कि व्हेन फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास इंटरवल बोथ आर गिवेन, तब मोड क्या होगा। तो इस कंडीशन में मोड को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लर्न करना होगा। चलिए देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू टाइम्स H। तो फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है। F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। आपको एक स्पेसिफिक मेथड से मॉडल क्लास निकालना है। जैसे मॉडल क्लास मिल जाती है ना, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 क्या होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 क्या होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, एंड H इज द क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। को अच्छी तरह से समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक्सरसाइज 14.2 लिया है, इसका हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन ईयर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आपको एक डाटा दिया है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कितनी टाइम तक चलते हैं, लाइफ टाइम मतलब उनकी लाइफ कितनी होती है, उस हिसाब से कुछ हमें डाटा दिया है, हमें उसका मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जब हम मोड बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है। टेबल में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए होंगे और दो ही कॉलम हमें लिखना है। फर्स्ट कॉलम जो क्लास इंटरवल का है वो यहाँ लिखा जाएगा, और सेकेंड कॉलम जो फ्रिक्वेंसी दी है वो लिखा जाएगा। तो चलिए जल्दी से वैल्यूज रख लेते हैं। तो इस टेबल को हमने फिल कर लिया है, जो सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी थी ना, हमने लिख ली है। अब क्या करना है, मोड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिए और ये बताइए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ऑब्वियसली 61 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में है, 60 to 80 में है। तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, यानी कि करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, हेंस क्लास करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 60 to 80। तो हम लिखेंगे सो क्लास करस्पॉन्डिंग टू 61 यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 60 to 80। अब ये मॉडल क्लास हो जाएगी, हैंस द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 60 to 80। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट ले लेनी है, वो आपका एल हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू 60। मॉडल क्लास हमें जैसे ही मिल जाती है उसकी लोअर लिमिट को एल नाम दे दीजिए,
उसके बाद इसका क्लास साइज क्या है, 20-20 का क्लास साइज सबके बीच कितना गैप है, 20 का ही गैप है, तो h इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 61 है, तो 61 इज f1। अब इसके पहले वाली, नाउ फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी तो ये है, अब इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये तुम्हारी f0 है और 61 क्या थी, f1। अब फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, अब इस फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 36, तो ये आपकी f2 हो गई। तो हम आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में हमने तीन फ्रीक्वेंसीज को स्पेशल नाम दिया है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1, उसके पहले वाली f0 और उसके बाद वाली f2। समझ में आ गया। अब हमें टेबल में कुछ भी आगे नहीं बनाना है, मोड में टेबल में आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी है, फाइंड आउट करना है कौन क्या है, और उसके बाद रख देना है फॉर्मूले में वैल्यू। मोड के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 प्लस f1, f1 आया था 61 माइनस f0 2f1, और f1 हमारा आया था 61, f0 आया था 52 एंड f2 आया है 38। तो ये वैल्यूज हमने रख दी है मल्टीप्लाइड बाई h यानी कि क्लास साइज 20 था, तो अभी हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका 122 माइनस, और ये हो जाएगा आपको इसको ऐड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 90 × 20। सो 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 122 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 एंड दिस इज 332 एंड दिस इज 20। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 5 जा एंड 4 8 जा, तो 45 अपॉन 9 इंटू 5 45, 45 अपॉन 8 आएगा 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा 5.625, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65.625। तो दिस इज द मोड, और ऐसे हमें फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला लर्न करना, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें टेबल दी है उस टेबल में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जो टेबल दी है उसी में हमें बस f1 f2 f0 निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देना है। तो मोड इस तरह से बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है और ये मेथड आप समझ पाते हैं, देन मोड इज़ वेरी वेरी इजी। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो।